से कम सुनाई देता है? क्या आप कान से ऊंचा सुनते हैं? क्या आप फोन की बातों को कान से नहीं सुन पाते हैं? क्या आपके कान में सनसनाहट होता रहता है? हाँ तो घबराइए नहीं, आज मैं आपको डिफनेस, हेयर लॉस, कान से कम सुनाई देना के बारे में सारी जानकारी दूंगा और साथ में इसके सिम्टम्स, काउज और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो मैं हूं भानु प्रताप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज डिफनेस, क्या होता है कान से कम सुनाई देना। तो डिफनेस एक प्रकार की ऐसी समस्या है जिसमें इंसान, वृद्ध या छोटे छोटे बच्चों को कान से कम सुनाई देता है। अगर कोई तेज़ आवाज़ में बोलता है तब सुनाई देता है, हाई वॉल्यूम को सुन पाते हैं, लो वॉल्यूम को नहीं सुन पाते हैं। अगर कभी फ़ोन पर बात कर रहे हों तो फ़ोन की आवाज़ को लाउड स्पीकर पे ऑन करना पड़ता है तब सुनाई देता है। किसी किसी को लाउड स्पीकर पे ऑन करने के बाद सुनाई नहीं देता है। कोई कोई आदमी अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो गाड़ी का हॉर्न वगैरह सुनाई नहीं देता है, गाड़ी की आवाज़ों को नहीं सुन पाते हैं। कान में हमेशा सनसनाहट की आवाज़ आते रहती है, कान में हमेशा जैसे लगता है कि ट्रेन चलने की आवाज़ें आ रही हैं और उसको सुन नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या बहुत से लोगों में देखी जा रही है। तो अगर आपको हो गया है तो घबराइए नहीं, आज मैं आपको होम्योपैथी के चार मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसका प्रयोग अगर आप 3 से 6 महीना तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो ईयर डिफनेस की समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं हम इसके काउज के बारे में। तो इस डिजीज को होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के कान का पर्दा किसी कारणवश फट गया हो तो उसके कारण हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के कान के बीचों बीच में मिडल ईयर में सूजन हो जाती है तो उसके कारण हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के कान में कोई चीज़ चला जाता है, कोई वस्तु फंस जाती है या फिर गंदगी वगैरह रहता है तो उसके कारण हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन्स वगैरह का प्रयोग करते हैं जिसके कारण मेडिसिन्स का रिएक्शन वगैरह हो जाता है तो उससे भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कान के अंदर ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर के कारण पेन वगैरह होता है तो उसके कारण भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ जैसे कि डीजे वगैरह का आवाज़ होता है या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह में काम करते हैं या फिर कहीं ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ की आवाज़ बहुत तेज़ आती है, तेज़ ध्वनि वाले जगह पे रहते हैं तो उसके कारण भी तेज़ सुनने की आदत हो जाती है। तो इन सभी कारणों से डिफनेस की समस्या उत्पन्न होती है। तो चलिए जानते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इस डिजीज को हो जाने के बाद इंसान को कान से धीरे धीरे कम सुनाई देने लग जाता है। किसी किसी व्यक्ति को जन्मजात ही कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति को आप जब तेज़ आवाज़ में बोलते हैं तब सुनाई देता है और धीरे आवाज़ में बोलते हैं तो उन्हें सुनाई नहीं देता है। किसी किसी व्यक्ति को आप जब फ़ोन पे बातें करते हैं तो फ़ोन की आवाज़ लाउड स्पीकर ऑन करना पड़ता है तब जा कर के कहीं सुनाई देता है। किसी किसी को बिना लाउड स्पीकर ऑन किए ही सुनाई देता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स उभर कर सामने आते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहली मेडिसिन का नाम है ग्रेफाइटिस 30 नंबर। इसे 2-2 बूंद 3 टाइम ऐसे ही जीभ पे लेना है। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डिफनेस की समस्या के लिए। दूसरी मेडिसिन का नाम है हाइड्रास्टेटिस क्यू पावर। इसे 10-10 बूंद 3 टाइम आधा कप पानी में डाल कर लेना है। यह हर प्रकार के बहरेपन की समस्या के लिए रामबाण दवा है। तीसरी मेडिसिन का नाम है कैल्केरिया कार्ब 200 नंबर। इसे 2-2 बूंद 3 टाइम ऐसे ही जीभ पे लेना है। और चौथी मेडिसिन, सबसे पावरफुल मेडिसिन, जिसका नाम है कैलीम्यूर 6X, जो कि बायो कम्बिनेशन की दवा है। इसे 4-4 गोली 3 टाइम आधा कप पानी में डाल कर लें। यह चारों मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बहरेपन की समस्या के लिए। अगर इसका प्रयोग आप
तीन से छः महीना तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो डिफनेस की समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं हम इसके डाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या सावधानियां नहीं रखनी चाहिए। तो जितना हो सके उतना आप कान को चोट चपेट या फिर गर्मी बरसात या फिर धूप वगैरह में निकलने से या फिर तेज ध्वनि में जाने से बचाएं, जितना हो सके उतना बचा पाएं तो उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारा कान का जो पर्दा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा चोट चपेट की वजह से भी फट सकता है। आप जितना हो सके उतना आप अपने कान की साफ़ सफाई रखें, इससे क्या होगा कि कान में ईयर वैक्स वगैरह नहीं होंगे, मैल वगैरह जमा नहीं होंगे, तो उससे कान हमारा स्वस्थ रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।